हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग को बता दें एक बहुत बड़ी घटना हो चुकी है। आप लोग जानते होंगे अवधी गायिका चांदनी जी को, जो कि उनका चैनल है चांदनी अवधी लोकगीत गायिका, इस नाम से उनका चैनल है। 4-5 महीना पहले ठंडी में मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। उनकी एक छोटी सी बच्ची थी महज, अगर उसकी उम्र की बात करें तो तकरीबन 5 या 6 साल के आसपास था, और उनका एक बेटा भी है, लगभग मान के चलिए यही उम्र या उससे 1 साल 2 साल छोटा बड़ा समझिए, क्योंकि बेटा बड़ा था बेटी छोटी थी। और आपको बता दें कि उनकी बेटी के साथ दुर्घटना हो जाता है और रोड एक्सीडेंट में उनकी बेटी डेड हो जाती है। तुरंत नहीं होती है, कुछ दिन तक वो हॉस्पिटल में लेके भर्ती रहते हैं सदर जौनपुर में। अभी मेरी कॉल पे बात हुई है चांदनी जी से, बहुत रो रही थी और उनके हस्बैंड जी बेहद परेशान हो चुके हैं। और मौके पे जब ये घटना हुआ है, उनके हस्बैंड जी थे भी नहीं, वो लखनऊ में थे। और आपको बता दें कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है, एक बार सुनिएगा, देखिए किस तरीके से चांदनी जी बिलख बिलख के रो रही है। अगर किसी माँ का बेटा या बेटी जब उससे दूर होता है तो आप लोग समझ सकते हैं क्या कुछ स्थिति परिस्थिति बनती है। तो बहुत दुखद घटना ये है, मैं कल उनके घर भी जाऊंगा और सब कुछ जानने का प्रयास करूंगा आखिरकार क्या कुछ कैसे हुआ है। सबसे पहले ये कॉल रिकॉर्डिंग आप लोग सुनिए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चांदनी जी का सपोर्ट करिए। उनका चैनल है चांदनी अवधी लोकगीत, ऐसा उनका चैनल है। मैं नीचे टाइटल में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और आप लोग को बता दें वो काफ़ी हताश और निराश हो चुके हैं। एक बार आप ये पोस्टर देख लीजिए, यही वो पोस्टर है। उनकी ये बिटिया का फ़ोटो देख लीजिए, वो इनकी ये बिटिया है, छोटी सी मासूम थी। उसकी क्या गलती थी, उसे नहीं पता था कि एक छोटी सी रोड एक्सीडेंट दुर्घटना में वो इस दुनिया को छोड़ के चली जाएगी। बहुत दर्दनाक ये घटना है। पूरा आप लोग का रिकॉर्डिंग सुनिए, उसके बाद आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद कीजिए। हम राहुल प्रजापति ब्लॉग बोलत है खुटहन से। तुम्हें रुआवे खातिर फोन ना करे है ये भाभी, ये है। अब रोई एक बार बताओ, रोवे से आ गई है वापस? अगर आ गई बताओ, हम सब रोवे जाए सब जन साथ में। हिम्मत रखा आप क्या करो, बिल्कुल रोवा ना, ठीक हो? भैया बहुत बड़ा दुर्घटना बेटी के साथ आई गई। कैसे भाई? इसके ऑटो वाला ना ऑटो चढ़ाए थे। अच्छा, तो तहार तो रोडवा बहुत किनारे पर, कैसे रोडवा पहुंच गए हैं? अरे भैया उस तो बंद ना दूबे के आ गए थे, वहां से आए बिट्टी मेरे आज 10-15 दिन से, मतलब लगभग 20 दिन से खाना पीना नहीं खा रही थी। हाँ। आप तो देखे ही थे कितना पतली दुबली थी एकदम से। हाँ, हाँ, हम तो देखे थे। तो वही आई थी, फिर उसके बाद मन्नत मांगे थे बजरंग बली बाबा, बिट्टी मेरी ठीक हो जाएंगे, माँ के दर्शन करेंगे। एक मंगलवार पड़ा था, दूसरे मंगलवार वही सोमवार को उनका वीगो निकला, फिर मंगलवार पड़ा मौसी भी आई थी, तो हम कहे जाए जाके दर्शन में करवा दे अपनी बाबू के। घर में रहते रहते एकदम तबीयत खराब हो गया इनका, लेके जा रहे थे भाई केरोसिन देखे है कि नहीं, आप जो मिट्टी तेल की टंकिया है। हाँ बिल्कुल देख रहे हैं हम, वहीं पर यहाँ से ले जाके वहीं गोदिया उतारे, एक कदम जाके अटोया वाला आया, इतना ज्यादा ड्रिंकिंग किया था एकदम आके पहले हमको टक्कर मारा, हमको नीचे लथेड़ने के बाद दोनों बच्चों ने हथवा पकड़े हुए थे, फिर आके मेरी बिट्टी को आगे वाले पहिया से सर पे मारा, पीछे वाले पेट पे चढ़ा, पीठ पे चढ़ा के आगे मौसी के ऊपर चढ़ा दिया। अरे वो सीनिया याद आ रहा है, तब जान निकल जा रहा भैया। आपके हस्बैंड जी साथ में नहीं थे? अरे हस्बैंड लखनऊ गए हुए थे भैया जी। अच्छा आप थे और आपकी मौसी थे? मेरी मौसी थी, मेरे मौसी के 2 बच्चे थे, मेरे दोनों बच्चे थे भैया। वही तो तड़प रहे हैं, वही तो भैया आप लोग आइए, हमको कंप्लेन करना है सदर में, क्योंकि
सदर वाले इतना धोखा किए मेरे साथ। मेरे बिटिया की तबीयत खराब था, बोल रहे हैं कि ठीक है, हम 4 बजे हमको सोए दिए थे सोने वाले, कह रहे हैं हम उठे बोले नहीं ठीक है, तो बोले नहीं ठीक है आके ग्लूकोज चढ़ा दे। उसके बाद कुछ भी नहीं, 10 बजे रेफर कर रहे हैं, बताइए 11 बजे 12 बजे रेफर कर रहे हैं उनको, 12 घंटा मेरी बिटिया लड़ी, 12 घंटा लड़ी है। अच्छा, तो कुछ भी नहीं, 12 घंटे बाद वो लोग फिर रेफर कर रहे थे कहाँ, बनारस के लिए? बनारस भी अच्छों के लिए रेफर किए। उसके अच्छा। पहले बोलते रहे ठीक है बच्चा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चोट लगा ठीक है। हम बोल रहे हैं नहीं, सिटी स्कैन करवाइए, पहिया चढ़ा है, सिटी स्कैन करवाइए, पहिया चढ़ा है। लेकिन कुछ भी नहीं, वो लोग बस उन लोग का यही था, ठीक है बच्ची खा रही है ठीक है, बच्ची पी रही है ठीक है, बस बच्ची बच्ची का इतना तबीयत खराब था, लेकिन मेरी बच्ची हंसती रहती थी हंसती रहती थी। भैया क्या बताएं, उनका गुना क्या बताएं। उस टेम्पो वाले ने जिसने ये दुर्घटना किया था उसका गाड़ी नंबर आपने नोट किया था? अरे रिकॉर्ड है, कैमरा में है, एक लाइफ स्टाइल करके उसमें है, एक सुभाष साड़ी सेंटर है उसमें है। लिया था उन लोगों से रिकॉर्डिंग लिया? अभी उन्हीं लोग के पास है, अभी उन लोगों ने नहीं दिए है। वो क्या कह रहे हैं वो लोग? वो लोग बोल रहे पोस्टमार्टम नहीं करो, बताइए मेरी बच्ची के साथ ऐसे हुआ था, हम पोस्टमार्टम नहीं करवाने दिए। बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लेकिन कहीं ना कहीं मिल जाएगा भी, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। फिर प्रेशर देंगे तो मिलेगा। और सदर के सामने भी इस मासी को लेके गया वो मेरे भैया, चाबी अभी तक चाबी उसका रखे हैं, बाइक उसके टेम्पो वाले का, हाँ ऑटो वाले का जो बैटरी वाली है उसकी चाबी रखे हैं, अभी तक रखे हैं। वो ऑटो बंद नहीं है थाने में? नहीं भैया नहीं बंद है, कुछ भी नहीं। अच्छा, हम उसको मारे भी थे, लेकिन जब देखे मेरे बच्चे दोनों बच्चे के मुंह से भल 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 खून निकल रहा था। आपके दोनों बच्चे के ऊपर चढ़ गया था वो? दोनों बच्चे भैया, दोनों छोट बड़े वाले के तो मत्था पे टाका लगा है, पेट में लगा है, चेस्ट में स्क्रैच पड़ गया है, पेट में दर्द हो रहा, पेट में भी कभी कभी स्वेलिंग हो जा रहा, बोल रहा मम्मा दर्द हो रहा मुझे। वो तो अपने मुंह से बता रहा, कह रहा है मम्मा हमको ऐसे घसीटते घसीटते ले गया, मम्मा मुझे घसीटते घसीटते ले गया। वो अपने मुंह से सब कुछ बता रहा है। आज भी 4 दिन हो गया, लेकिन अखिया से वही मेरी बिट्टी दिख रही है, सबके प्लेटवा में आके समोसा खाती थी। वो तो हम लोग के भी साथ जब हम लोग गए थे तब भी यही, अब क्या ही कर सकते हैं आप। अच्छा ये बताइए आपके हस्बैंड जी आ गए कि नहीं? उन्हीं का फोन हुआ है भैया, आए हैं, गए थे बच्चों के लिए दवा लेने ड्रेसिंग करवाने, उन्हीं के फोन पे आप फोन किए हैं। अच्छा, हाँ तो हमारे पास कोई और नंबर नहीं था, तो हम यही नंबर हमको बड़ी मुश्किल से मिला, तो हम काफी बार लगाए तो फोन हमारा उठा नहीं, तो फिर हम बहुत परेशान थे। हेलो, हाँ भैया। हाँ भैया, ये फोनवा आप ही के पास था क्या भैया? अच्छा, तो आप आ गए हैं तो वो जाइए सीसीटीवी जो भी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है उसको लेके आइए ना। हेलो, हाँ भैया। भैया मैं रहा हूँ। नहीं नहीं हुआ, हाँ समझ रहे हैं भैया, लेकिन हुआ तो सब कुछ है, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं हुआ ना बच्ची का, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ नहीं होगा। बात वो ठीक है, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ नहीं होगा, वो बात ठीक है। आप कम से कम जो उसने एक्सीडेंट किया है ठीक है, उसकी तो भरपाई करवा सकते हैं, उसके वजह से आप उसको सजा दिला सकते हैं ना। अब आपकी बच्ची इस दुनिया में है या नहीं है वो आप जानते हो, आप प्रशासन को बताओगे, प्रशासन कहेगी बिना हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो उसके एक्सीडेंट किया उसके मुताबिक तो कुछ ना कुछ कर सकता है वो।
डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ कर सकता है ना कि हाँ सच में ऐसा इसने एक्सीडेंट किया हो और इस तरीके से इनकी बेटी का इलाज चल रहा था, इलाज के दौरान वो डेड कर गई। भाई कुछ तो एक्शन होगा उसके ऊपर। आप जाइए एक बार पहले जो आपके नजदीकी पुलिस चौकी हो या फिर थाना हो, आप वहाँ पहले जाइए एक बार, बताइए कैसे ऐसी समस्या हुई है मेरे साथ। ठीक है भैया, हाँ एक बार कोशिश करिए, बाकी हम लोग तो हैं, जो भी हेल्प चाहिए होगा वो बताइएगा आप। और कल आप रहेंगे ना घर पे ही, कहीं जाना तो नहीं आप लोग को ना? नहीं नहीं, कल हम आएंगे आपके यहाँ। ठीक है, साथ थोड़ा साथ नहीं मिल पा रहा भैया, थोड़ा आ जाएंगे ना तो साथ मिल जाएगा तो हम कुछ भी कर देंगे भाई। हम अकेले एकदम पड़ गए हैं ना, इसलिए। और हम थे भी नहीं, हम तो लखनऊ में थे, भैया इनके थे वो सीधे साधे आदमी, उनको कुछ पता वता है नहीं कैसे क्या होता है कैसे क्या नहीं होता है जी। और हम तो थे भी नहीं। और फिर ये हुआ कि सब लोग ठीक हैं, ठीक है, पट्टी उट्टी लग गई तो हम भी वहाँ बिंदास हो गए थोड़ा, वो मतलब कहते नहीं शांति मिल गई जी जी, कि सही है तो क्या दौड़ के जाना, तुरंत सुबह बेगमपुरा पकड़ के जाएंगे, लेकिन किसको क्या पता था, भगवान को यही मंजूर है, क्या ही कर सकते हैं। चलिए अब जो लगा हुआ, लेकिन उसके लगा सबको टांका है, टांका हाँ। सबको लगा है, बच्चे का पूरा आगे फट गया है, तीन चार टांका लगा है, और उसको भी टांका लगा था, लेकिन उसके जो था ना ब्रेन में चोट लग गई थी पीछे। अच्छा अच्छा, तो तकलीफ जो हो गई परेशान नहीं हो ये, हो गया अब जो भी हेल्प होगा हम लोग करेंगे। और कल आप रहेंगे ना, कहीं जाएंगे तो नहीं ना? हम यही हैं भैया। हाँ तो कल फिर हम लोग आते हैं, मुलाकात करते हैं। ठीक है ठीक है, तो आइए तब थोड़ा चौकी की फिर के समझा भी जाए। हाँ बिल्कुल, मतलब हम लोग रहेंगे साथ में तो थोड़ा हिम्मत बढ़ती है। हाँ बिल्कुल, आपके नजदीकी नजदीकी पुलिस चौकी कौन सा है? कोतवाली है यही। अच्छा अच्छा, कोतवाली, फिर चले हम लोग रहेंगे साथ में, चलेंगे बिल्कुल। बाकी हम डीआईजी सर से बात किए थे लखनऊ में। हाँ उन्होंने क्या बोला? अब जा वो खुद डरा और सहमा होगा तो नहीं। हाँ, कुछ जाते तक जवाते तो कुछ कान, तो कान तक तो बात पहुंची गई होगी उसके। लेकिन उसकी भी क्या गलती, काल उसके सर पे बैठ के आया था ना, यमराज का कोई रूप नहीं होता है। वो यमराज के रूप में आया, वो करके गया। चलिए आइए फिर चलते हैं, हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे भी काम बन जाए, कैमरे से काम बन जाए, तो गाड़ी तो सदर के अंदर तक गई थी उसकी। चलिए अच्छा ठीक है, वो तो सदर से भी कैमरा मिल जाएगा, और नहीं तो ज्यादा होगा तो लाइफ स्टाइल है, फिर हड्डी वाला अस्पताल है। नहीं, जहाँ पे ये दुर्घटना हुई थी आप वहाँ जाके इधर से, हाँ इधर से ही रास्ते से गया था ना। हाँ, कैमरा पांच छह कैमरा लगा है, ठेके वाले के यहाँ लगा है, दारू ठेका है वहाँ लगा है। वो लोग तो दे देंगे बेचारे, वो लोग तो उसी दिन कहे सुबह आइए 10 बजे, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया भैया, अभी तक नहीं मिल पाया टाइम, कहाँ दे के किसको किसको क्या, बच्चे को भी चोट लगा है जी। थोड़ा आएंगे, पांच दो चार लोग रहेंगे, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो जरूर चलेंगे। बिल्कुल कोशिश रहेगा कल हमारा आने का। ठीक है, बात करने में क्या जाता है, पुलिस वाले मार के फोन भगा पाए, वो लोग भी रास्ता ही बताएंगे। हाँ बिल्कुल, है कि नहीं? ठीक है भैया, आइए कल फिर मिलते हैं ना? जी भैया जी, कोशिश नहीं भैया, आ जाएंगे तो बहुत वो होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग आएंगे कल। ठीक ठीक है भैया जी, ओके।